वकील में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। करनाल में जिले भर के एडवोकेट्स आज वर्क सस्पेंड पर हैं। वकील में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामले को लेकर करनाल कोर्ट में वकीलों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर किसानों के लाठीचार्ज में एक वकील पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसको लेकर वकील आज वर्क सस्पेंड पर हैं। वकील और किसानों द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बावजूद आरोपी पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों पर FIR दर्ज नहीं हुई। वकीलों का कहना है कि कार्यवाही न हुई तो हरियाणा पंजाब बार के सभी एडवोकेट्स हड़ताल पर जाएंगे। सर, ये जो लाठीचार्ज टोल टैक्स पे हुआ था, तो उसके संदर्भ में हमारे वकील मनीष लाठर जी, जिन्होंने उन पुलिस वालों को यहाँ तक कहा था कि मैं एडवोकेट मनीष लाठर, आप बुजुर्गों पे क्यों लाठियां बरसा रहे हो, उसके तहत वो लाठियां बुजुर्गों पे तो बरसा रहे थे, गेलिया वकील को भी चारों तरफ से घेर लिया उसके मान सम्मान के लिए, और आइंदा आगे से हमारे किसी वकील साथी पर इस तरह से लाठियां या न्याय ना हो। वकील एकता जिंदाबाद करते हुए हम लोगों ने DC साहब को, SP साहब को भी चिट्ठी दी थी। आज का अल्टीमेटम दे रखा था, एक दिन का वर्क सस्पेंड, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब टोल प्लाजा पे लाठियां बरसाई गई, सवेरे 5 लाठी चार्ज हुए। यहाँ के IG DIG कहते हैं क्या बंदरों की तरह पुलिस वालों को धमकाते हैं, तुम बार बार लाठियां बरसाते रहे। एक घंटे में एक बार लाठी चार्ज होता था, 1.5 घंटा आराम करते थे, फिर लाठी चार्ज। जो पहला लाठी चार्ज हो रहा था बुजुर्गों पर, उस समय मुनीस एडवोकेट ने उनको रोकना चाहा और उन्होंने कहा मैं एडवोकेट हूँ, आप लोग कोई लिखित फरमान दीजिए। पर इतना कहते ही वो चारों तरफ से उसको भी ढूंढ दिया, उसको इतनी गुमचोट, सैकड़ों लाठी यहाँ पर लगे हैं। उसके उपलक्ष तहत किसी भी वकील को आइंदा लाठियां इत्यादि ना हो, और पूरी तरह से वकील एकता जिंदाबाद रहे, और भ्रष्ट अफसरों का सस्पेंड के रूप में यहां से जाना हो, उसको लेकर के DC साहब से, SP साहब से मुलाकात हुई थी, उसके तहत भी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर 4 दिन पहले यहां मीटिंग हुई, हाउस मीटिंग के दौरान आज का दिन वर्क सस्पेंड के लिए रखा गया था। शाम को रणनीति अलग तरह से हो जाएगी, आज का एक दिन का वर्क सस्पेंड है हमारा यहाँ कोर्ट में।